जल निगम मुर्दाबाद, जल निगम मुर्दाबाद, जल निगम मुर्दाबाद। तस्वीरें मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 11 की हैं। यहां के रहने वाले लोगों ने मटका और पानी के बर्तन लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज महिलाओं ने मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। मथुरा वृंदावन को नगर निगम बने हुए लगभग 3.5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम के बाशिंदे आज भी अपनी फूटी किस्मत पर रो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां से भाजपा पार्षद शकुंतला देवी हैं, जिन्होंने भाजपा की बैंक वोट पर चुनाव जीतकर गांव में पलटकर नहीं देखा कि गांव के लोग आखिर किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक तरफ देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में यहां के रहने वाले वासिंदे बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव वालों ने लोकसभा विधानसभा से लेकर नगर निगम में भाजपा को वोट दिए, लेकिन ग्रामीण पिछले 3 हफ्तों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। गांव में चारों ओर खारा पानी है और 2 किलोमीटर दूर से ग्रामीण अपने अपने साधनों के माध्यम से पीने के लिए पानी ला रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्या से निजात नहीं दिला रहा है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि नगर निगम चुनाव के समय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए कहा था, अगर भाजपा का पार्षद जीतेगा तो पानी की लाइन में गंगा जल आएगा। गंगा जल की बात छोड़िए, यहाँ तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं और पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप है। वहीं सोमवार के दिन बूंद बूंद के लिए मोहताज महिलाओं ने वार्ड नंबर 11 के बाद गांव से भाजपा पार्षद शकुंतला देवी और गोवर्धन क्षेत्र के भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के खिलाफ गाँव में पानी न आने के चलते मटके फोड़ कर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। पानी की समस्या बहुत तगड़ी है, पशुन का जीव तगड़ी समस्या बन गई है। मच्छी तालाब में मर रही है, 1.25 करोड़ के पेड़ लगाए, एक पेड़ नहीं है देखने के लिए। 4 करोड़ का विकास हुआ है क्या? अरे विधायक हमारे कारिंदा सिंह है, बात कोई मतलब ही नहीं गांव से। आज तक गांव में कोई बात छाप छोड़ी हो, अगर नल लगवाए हो, पानी दी हो, कब काम अब के लोटा में डालेंगे वोट और कोई ले जाए हमसे बीजेपी को हो जाए गाँव को हो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। और रिफाइनरी से हमारी कोई सुविधा नहीं है, जो कैसे बात गाँव गोदनामा में लिखा है, कोई बीमारी की दवाई नहीं है इस गाँव में, मच्छी मर रही है हमारे यहाँ। पंडित की अगर अभी तक बात कही जाए तो अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे, बंद कमरों में मीटिंगें हुई हैं, उसके बाहर जो आम जन के लिए जो सुविधाएं आनी थी वो नहीं पहुंच पाई है। आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है भैया, आप घंटे में कर रहे हैं सब, कोई बीजेपी वाले पैसा कमा रहे हैं दबके। राजन सिंह, वार्ड नंबर 11 में यहाँ पानी की समस्या से लोग 1 महीने से लगभग जूझ रहे हैं, क्या परेशानी? परेशानी बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा, 1 महीना हो गया और कोई अधिकारी सुनता नहीं है, न कोई जेई सुनता है, न कोई जल निगम अधिकारी सुनता है, न कोई पार्षद सुनता है। पार्षद तो 4 साल से शकल भी नहीं दिखाई है, उसको फिर से नीचे भेज देता है, फिर से अपने सब काम कराता है वो अपना, कहा कहते हैं वो सफाई तो होती है उसके दरवाजे पर होती है और जो इंटरलॉकिंग होता है उसके यहाँ अच्छा काम हुआ है, न कोई सफाई वाला भेजता है। यहाँ अभी एक टैंकर पानी आया है, यहाँ चौड़ाई पानी ने मटका फोड़े हैं इसी वजह से, और अब पानी अपने मोहल्ले में ले गया उस टैंकर को। हमने बोला भाई पानी औरत खड़ी है, पार पानी भर लें दे, उसमें पानी नहीं भरने दिया, बोलेंगे 10 टैंकर भेज दिए हम लेके नहीं। और बोलते हैं अभी मुकेश आरबंधु से बात हुई थी मेरी, उनसे बोला है मैंने, मैं साहब पार्षद का प्रतिनिधि पानी को ले गया अभी 10-15 दिन पहले, और वो रहा भी देखता हूँ बात करता हूँ, कल भी मुकेश आरबंधु से बात हुई है मेरी, वो ठीक है साहब 2 टैंकर भेज दिए बाद गाँव के लिए, और सप्लाई का आगे तो हम भेज रहे हैं, सप्लाई का आगे तो टंकी चालू करा देते हैं, और 2 अधिकारी भेज दिए हैं मैंने वहाँ पे, और कोई अधिकारी नहीं आया, नहीं कोई सुना किसी ने।